भारत की समृद्ध कला और संस्कृति विविध विरासत का प्रतिबिंब रही हैं। यह जीवंत कला एक कलाकार का अथक समर्पण और साथ ही कल्पना के कैनवास पर प्रकृति और रचनात्मकता का अद्भुत मिश्रण भी है। तमिलनाडु के वडावल्ली के रहने वाले भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के एक चित्रकार सुरेश राघवन ने एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। उनका कैनवास पारंपरिक कलात्मकता से परे है। राघवन अपने चित्रों में लुप्त प्राय जानवरों, पक्षियों और पौधों के हर विवरण को सही अनुपात और सही रंग में अपने कैनवास पर उकेरते हैं। उनकी गैलरी में पश्चिमी घाट के 126 स्थानिक पौधे, 50 लुप्त प्राय पक्षियों और 18 पशुओं के रेखा चित्र हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संवेदनशील इकोसिस्टम के 26 पौधों, 30 पक्षियों और 46 पशुओं की लुप्त प्राय प्रजातियों को भी राघवन के संग्रह में जगह मिली है। उनकी यह पहल कोयम्बटूर में शुरू हुई और हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जुलाई 2023 संस्करण में इसका जिक्र करते हुए कहा। तमिलनाडु में वाडावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। राघवन की यात्रा एक सीख है कि कला और विज्ञान के मिलन से असाधारण परिणाम मिल सकते हैं जो प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।